उरुआ ब्लॉक के क्षेत्र में सड़क और नाली का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में उरुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृपा शंकर दुबे ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उरुआ ब्लॉक में विकास का जो पैसा आ रहा है उन पैसों से गांव में नाली सड़क निर्माण कराया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 500 साल से नाली नहीं बनी है, वहां पर नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा गांव में हाई मास्ट लाइट लगवाया जा रहा है, जिससे कि चोरी को रोका जा सके, क्योंकि गांव में लाइट ना रहने की वजह से चोरी बहुत होती थी। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि हर चौराहे पर लाइट की व्यवस्था करना है। इसके अलावा पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों में आवास का वितरण किया गया है, जिसके क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक की चारों तरफ बाउंड्री वाल बनवाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल आंधी आई थी जिससे दीवार गिर गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उरुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृपा शंकर दुबे ने कहा, मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास के लिए पैसे आ रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गांव में जो जितनी गंदगी है वो नाली का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। जगह जगह नाली बनवाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पचासों साल से नाली नहीं बनी थी, और अब जाके जैसे पचसा में हुआ, मर्ची में हुआ, एकडंगा में हुआ, उसरी खास में हुआ, धुरियापार में हुआ, और लगभग मतलब सारे गांवों को हम टच कर ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिकरीगंज में हुआ तो हर गांव में कहीं ना कहीं, और लाइट जो ये हाँ हाई मास्क जो लग रहा है, इसमें ये है कि गांव-गांव बहुत चोरी हो रही थी चौराहों पर, तो हमारे विचार में आया कि ये हाई मास्क अगर लग जाएंगे तो रात में चौराहों पर उजाला रहेगा, तो इससे थोड़ा सा चोरी हम लोग चोरों से बच जाएंगे। तो लगभग 100 हाई मास्क लाइट भी लगवाया गया है और सड़कें बन रही हैं, इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है कि मतलब क्या क्या काम जरूरी है? नहीं, अभी तो देखिए मुख्य रूप से हमारा पहला ये है कि हर चौराहे पर लाइट की व्यवस्था हो जाए, और जहां नाली मुख्य रूप से नाली के आगे जो है नाली का विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक कितने लोग आवास दिए हैं? अभी तो देखिए जो जांचें चल रही थी तो उस हिसाब से अपना वो लगभग ठीक ठाक आवास दिया गया है हमको, मतलब वो याद नहीं है। क्या लगता है कि अभी कौन सा ऐसा कार्य अधूरा जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? अभी तो बहुत कुछ अधूरा है जिसको पूरा करना है। अभी आपके मन में होगा कि मुझे ये करना है, इससे जनता को लाभ होगा? नहीं, देखिए जनता को लाभ तो तभी होगा जब विकास होगा, और अभी हमारे ब्लॉक का देखिए वो स्थिति ये है कि आंधी आई थी पिछले बार जो, तो सारे बाउंड्री वाल गिर गए थे, तो पहले प्राथमिकता में चारों तरफ के बाउंड्री वाल बनवाए जा रहे हैं, इसके बाद फिर नाली पर ही भिड़ा जाएगा। सर नाम और पता? हाँ, नाम और पता। नाम कृपा शंकर दुबे, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप गुरुवा।